और बाइबल कहती है जब हम वर्शिप करते हैं परमेश्वर की आराधना तब बंधन टूटते हैं। लोग अपने आप को खुश करते हैं मगर जो वर्शिप है वो परमेश्वर की आराधना है, सच्ची आराधना। हालेलुया। और जब आराधना होती है, क्योंकि आराधना जो है वर्शिप है वो परमेश्वर के लिए होती है, लोगों के लिए नहीं, तो ये करनी है हमने, ये हक हक इंसानों को दिया परमेश्वर ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस सब मनाते हैं सब जगह पे, वो आज भी यीशु मसीह को छोटा बताते हैं कि वो पैदा होया ही आज, वो अब बड़ा हो चुका है। हालेलुया। और हमें बड़ों जैसी बातें करनी है, और क्रिसमस पर शराब पी के नाचना नहीं है, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, क्योंकि वो आज भी बचपने में ही है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह पैदा हुआ जी, चलो जी शराब पीते हैं और भड़के मारते हैं। अब वो बड़ा हो चुका है, आपको भी बड़े होना चाहिए। हालेलुया। वो आज भी बच्चे बने हुए तब के, और परमेश्वर कहता है बड़े हो जाओ, उनके बीच में से निकल आओ, पाप करने वाले लोगों में से बाहर निकल आओ, बुरे लोगों में से बाहर निकल आओ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा, आप तभी कह सकते हो कि यीशु मसीह मुझ में है, परमेश्वर मुझ में है, यदि आपके अंदर कोई पाप ना होगा। यदि आप प्रॉब्लम में हो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। यदि आपके घर में अभी भी नशा है, दुष्ट आत्मा है, चोरी करते हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, इसका मतलब यीशु मसीह वहां पे नहीं है। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में है। देखा परमेश्वर क्या है, वो शांति का राजकुमार है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है तब वो शांति शांति आती है। इसीलिए कहा उनके पापों से उद्धार करवाएगा। यदि आप चर्च आ रहे हो, परमेश्वर के पास आ रहे हो, और आपके टेस्टमनी हम सुन दें, हर एवरी संडे सुनते हैं हम टेस्टमनी, 25 सालों से नशा छोड़ दिया, 4 साल के बाद बेबी ब्लेसिंग, 15 साल के बाद बेबी ब्लेसिंग, ये क्या है? ये वही शांति का राजकुमार आपके घर में आ चुका है। और लिखा यही चिन्ह है, ये चिन्ह है, जब यशायाह ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, ये चिन्ह होगा उसका। और यीशु मसीह का आपके घर में होना ये चिन्ह है कि आप प्रतिदिन छुटकारा पाते जाओगे। बच्चे कहना मानेंगे, पति शराब छोड़ देगा, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये चिन्ह है यीशु मसीह के आपके घर में होना। और इसलिए बाइबल कहती है कि धोखे में ना रहना। आज बहुत सारे लोग धोखे में है और सोचती है कि हम ये परमेश्वर हमारे साथ है। आप परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, वो जहां पे होगा वहां पे परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालेलुया। और जब स्वर्गदूत आया तो आपको पता कि उसने क्या कहा मरियम को? सलाम। क्या कहा? क्रिश्चियन लोग कहते हैं सलाम, उसका मतलब क्या है? बाइबल क्या बताती है? जब स्वर्गदूत आया उसके पास तो स्वर्गदूत ने क्या कहा उसे, मरियम से? कहते आनंद और जय वो तेरी है। क्या बोला उसे? आनंद और जय वो तेरी है, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इसको कहते सलाम। हालेलुया। और आज लोगों का सलाम क्या है? ओ सलाम जी, डेफिनेशन, यदि आपका वर्डिंग चेंज होगी उसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी। इसीलिए आज लोगों की डेफिनेशन गलत है आज, इसीलिए वो आनंदित नहीं हो पाते और जय नहीं पा सकते अपने पाप से, अपनी परिस्थितियों से, जो आप जय पाना चाहते, वो बढ़ना चाहते, इसलिए बढ़ नहीं पाते। उसने कहा तू जीत चुकी है, जय तेरी है मरियम, आनंद भी तेरा है, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है हमारे ऊपर तो क्या होता है? लिखा तब छुटकारा होता है, तब एक आनंद होता है, आनंदित। आज आप सब आनंदित हो।
हालेलुया, आप आनंदित हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। तो सलाम बोलो अपने पड़ोसी को, सलाम। कैसे बोलोगे? सलाम। जैसा बोलोगे वैसा आप उनके साथ होगा। तो बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, करो सलाम। इसीलिए डेफिनेशन बिगड़ी हुई है लोगों का, सलाम की वर्डिंग अच्छी नहीं है। आप किसी को गाली निकाल के बुलाओगे ना तो वो कैसे बोलेगा? वैसा ही जवाब देगा। जब आप वर्ड ऑफ गॉड को आप बिल्कुल आराम से बोलोगे, रिस्पेक्ट देके, तो वो आनंद और जय आपकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसीलिए जय पाते हैं वो लोग जो अभिषिक्त होते हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाए ना, मगर कार की है दुष्ट आत्मा, कार की है नशे दी आत्मा, कार की है लड़ाई दी आत्मा। फिर केड़ा आत्मा, कौन सा आत्मा आप सोचते हो? आपके आत्मा तो है मगर कौन सा है? देखो कौन सा है, वो पवित्र आत्मा है कि शैतानी आत्मा है? इसमें फर्क आपको समझना चाहिए। क्रिश्चियन लोग बड़ी बड़ाई करते हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और घर में क्या है? झगड़ा और व्यभिचार में फंसे हुए लोग। लिखा वो अपने लोगों का अपने पाप उनके पापों से उद्धार करवाएगा। जहां यीशु मसीह है वहां छुटकारा। हालेलुया। और जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, फिर उसके बाद लिखा यूसुफ के पास गया। हां जाना पढ़ा किसी ने? किसके बाद पास गया वो दूसरी बार? यूसुफ के बाद। कहता मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि वो जो पत्नी थी उसको परमेश्वर की ओर से मिली थी। तो जितने भाई यहां पे बैठे हैं उनको भी परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। इसीलिए ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि वो उनको लेके नहीं आते। मेरी बात को समझ रहे आप? बाइबल में बताती हैं परमेश्वर ने जो औरत बनाई वो पसली से, और लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से आके बनती, वहीं से भेजी जाती। हाँ जाना। और जब वहां से भेजी जाती तो एक्सेप्ट किसने करना है? हमने करना है। यहां पर भेजी तो अच्छी जाती हैं, मगर जैसा आपका माहौल होगा वो वैसी हो जाती है। लिखा जो विपत्ति है, जो झगड़े हैं, वो मिट्टी से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो अभिलाषाओं से उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े। अगर पत्नी का ध्यान पेके की तरफ होगा तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। उसको चाहिए कि जहां उसको भेजा गया है वो उस घर को बनाए वो। और ये आदर्श पत्नी का ये जिम्मेवारी है। और क्या होता है आज जो परमेश्वर ने क्या कहा उसे स्वर्गदूत ने? कहता तू मरियम को अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती, उसने फेथ किया उसके ऊपर। और जैसे ये डाल मैंने बताया आपको, ये पसली, और जब तक आदम के साथ रहेगी तो आदम सक्सेसफुल होगा। कितने जन समझ रहे इस बात को? बड़े बड़े जितने लोग हैं, अमीर लोग हैं, मशहूर लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, इसलिए वो फेमस है। इसीलिए वो नॉर्मल लोग जिनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के बगैर प्रजा नाश होती है। तो जब आपकी पसली पूरी होगी, आपके अंग पूरे होंगे, क्योंकि पत्नी आपका अंग है, जब वो पूरा होगा तो आदम पूरा होगा, और जिस काम को हाथ लगाएगा वो बढ़ेगा। ये बाइबल सिखाती है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या पत्नियों से बनती नहीं है, आपको बनानी है भाई। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम को अपने पास अपनी पत्नी अपने घर ले आने से तू मत डर। किस बात का डर है तुझे? कोई डर नहीं है। वो इसीलिए माना। आज पत्नी छोटी सी गलती हो जाए तो उसको धमकी देते भाग जा पेके। प्रॉब्लम किसको होगी? उसी को होगी। उसको ये नहीं पता वो अपने अंग को काट रहा है।
कितने जन समझ रहे हैं? इसीलिए उसने कहा कि वो उनके पापों से उद्धार करवाएगा। यदि पति 20,000 के महीने की शराब पीता है तो कभी पत्नी को 2,000 का सूट लेके दिया महीने में? वो डेली पीता, डेली पत्नी को दिया सूट कभी 2,000 का, उसका भी दिल करता है। बच्चों को कभी घुमाने लेके गए, बच्चों का भी दिल करता है। यदि आप उनकी जरूरतें, अच्छे पिता हो, अच्छे पति हो, तो आपका घर स्वर्ग है। लोगों को पता ही नहीं है वो अच्छे पति नहीं है। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा मरियम को अपने घर आने से मत डर, क्योंकि तू एक अच्छा पति बन के दिखा। हालेलुया। इसीलिए आज जो आदमी है, क्या जी सरकारी जॉब है, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस है, मगर फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनकी वो अंग साथ में नहीं है। हालेलुया। बात यही है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। दिल किता कर लिया, दिल किता, दिल चाहया, मन चाहया, टाइम मिलया, ये है वो है, मगर परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता आपका परिवार बने, कहता मेरे पास तो आओ। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? कहता यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? कहां है आदर उसका? अपनी मर्जी से। इसीलिए उसकी मर्जी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी मर्जी पूरी हो रही है। जिस दिन उसकी मर्जी करना शुरू कर दोगे पूरी, तो आपकी मर्जी भी वो पूरी करना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है, फैमिली से। इसलिए परमेश्वर ने मम्मी डैडी नहीं बनाए, उसने आदम और हवा बनाए, पति और पत्नी बनाए। और शैतान क्या है, वो पति और पत्नी में झगड़ा करवाता हूं, कोई नहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता। इसके कंधे से उतरेगा तो उस पर बैठ जाएगा, उसके कंधे से उतरेगा तो इसके कंधे पे बैठ जाएगा। मगर दोनों ये नहीं कहेंगे चलो इसको भगाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या कहा उसे, कहते मरियम को अपने घर आने से, ले आने किस बात का डर? जिस दिन आप अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर दोगे ना दिल से, वो अच्छी लगने लगेगी। फिर ड्यूटी के बाद, नौकरी के बाद आप बाहर नहीं जाओगे, अच्छा आया हूं मैं बाहर, हो कि दोस्ताना मिलके घूम के, फिर क्या बोलोगे? ड्यूटी से घर आओगे वापस तो अपनी पत्नी से बोलोगे चल जल्दी जल्दी कपड़े पा, आपा को मन जल्दी है। मेरी बात को समझ रहे हो? जिस दिन पत्नी से प्यार हो जाएगा, तो जिस दिन पत्नी अच्छी लगने लगेगी, तब आप अकेले नहीं जाओगे, अपनी वाइफ के साथ ही जाओगे। कितने जन समझ रहे इस बात का? लव करना है। जिस दिन आपने अपनी पत्नी को जीत लिया, आप अच्छे पति बन जाओगे। जिस दिन आपने अपने पति को जीत लिया, आप अच्छी पत्नी बन जाओगे। जिस दिन आपके बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे, आप अच्छी पत्नी हो। नहीं तो यहां से कितने लोगों को खड़ा करूंगा, उनका यही होगा साढ़े बच्चे नहीं कहना मानते, इसीलिए नहीं मानते। क्या अच्छी पत्नी, अच्छी मां हो क्या? सबसे बड़ी और अमेजिंग गवाही ये है, पासी इस बहन का नाम रेनू, ये सुंदर नगर की रहने वाली, इसकी बहन की गवाही ये है कि जब ये 8 साल के थे तब से ये बीड़ी का नशा करते थे, और पासी शादी के बाद भी ये बहन बीड़ी का नशा करते थे, मतलब कि 12 साल हो चुके हैं। अभी इस बहन की उम्र 22 साल की है और 12 साल इनको हो चुके हैं ये लगातार बीड़ी का नशा करते थे, और पासी ये बहन इस नशे की लत को इनको लगा रहते थे, ये दिन में रात में लगातार बीड़ी का नशा करते थे, ये छोड़ नहीं पाते थे।